हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, तो मैं संगीता संगीता की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की रेसिपी। तो चलिए हम दिखाते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 2-3 तेज़पात, 2-3 मिर्चा लिया है लाल वाला, और 2 प्याज लिया है, हमने कट करके रख लिया है इसको, और एक बड़ा साइज का टमाटर है, एक हरी धनिया पत्ती है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, हम इसको मसाला को आपको दिखाते हैं। हमने इसके लिए मसाला निकाल लिया है, जो हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे तो उसमें इसको हम डालेंगे। और डालने के बाद तो दोस्तों, इसको हम पहले एक में 4-5 मिर्चा लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, और इतना लहसुन का कलिया लिया है, और ये थोड़ा सा जीरा है, मिर्च है, और ये थोड़ा सा सरसों है। इसको हम बढ़िया से पीस लेते हैं ग्राइंडर करके, फिर हम आपको देखिए। दोस्तों, हमने इसके लिए एक बाउल लिया है, अब इसमें हम डालते हैं 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 चम्मच हम इसमें और डालेंगे, 2 चम्मच थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो हमने इतना ही बेसन लिया है सब्जी के लिए। इसमें हम डालेंगे, हमने सिर पे पीस के रखा है, देखिए लहसुन मिर्चा, इसको हम डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक को हम इसमें डाल देते हैं, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम मसाला में भी नमक को और डालेंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम पानी, तो पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम बढ़िया से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको बढ़िया से फेंट लेते हैं। एक साथ पानी डालने से बढ़िया से बेसन नहीं फेंटा पाता है तो सब्जी अच्छा नहीं बनता, और स्पंजी सब्जी बनता है। इसको बढ़िया से हम फेंट लेते हैं, तब इसमें हम थोड़ा अभी और पानी डालेंगे। पहले इसमें और बढ़िया से फेंट लेते हैं ऐसे करके। फेंटने के बाद तो फिर हम गैस को जला लेते हैं। गैस को जलाने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं सरसों का तेल, तेल हम इतना ही डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम 1 चुटकी मेथी डाल देते हैं, जो खड़ा मेथी होता है, पेट के लिए बहुत लाभदायक है, गैस वैस नहीं बनाता है मेथी, तो इसके लिए हमने मेथी को डाल दिया है। तो फोड़न मेरा चटक गया है दोस्तों, तो देखिए हम बेसन को इस तरह से डाल देते हैं, बेसन को हम अच्छे से डाल देते हैं इस तरह से, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाना है धीरे धीरे करके, रुकने पे ये जम जाता है, ऐसे हम चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हलवा मेरा बढ़िया से जम गया है, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से मिला लेते हैं। ऐसे करके हम हलवा को अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों बेसन का सब्जी वाला, कई तरीके से बनता है बेसन का सब्जी। ये देखिए हलवा हो गया है। तो दोस्तों, इसको हम एक प्लेट में हमने तेल को लगा दिया था, तेल लगाने के बाद इसमें हम सारा पेस्ट को रख लेते हैं। पेस्ट को हम इसमें सब अच्छे से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने हाथ में रिफाइन लगा लिया है, रिफाइन के सहारे से इसको हम अच्छा से इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए दबा दे रहे हैं इसको हम, मोटा चाहे तो आप मोटा साइज में जमा सकते हैं, और पतला चाहे तो पतला। तो दोस्तों, इसको हम बढ़िया से इस तरह से ऐसे करके जमा लेंगे।
देखिए तो देखिए फ्रेंड्स ये बढ़िया से जम गया है, इसको हमने जमा दिया था तो जम गया है। अब इसको हम आप चाहें तो छोटे भी पीस में काट सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है कि ये पकड़े मत चक्कू को बेसन। इसको हम छोटे साइज में काट ले रहे हैं, आप चाहें तो छोटे भी साइज में काट सकते हैं और आप चाहें तो बड़े भी साइज में काट सकते हैं। इसको हम टुकड़ा टुकड़ा बढ़िया से कर लेते हैं ऐसे, इसको हम इस तरह से काट लेते हैं छोटे छोटे पनीर साइज का। अच्छे से काटने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हम बढ़िया से इस तरह से फ्राई कर लेंगे बेसन को। आप चाहे तो बिना फ्राई का भी सब्जी बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे फ्राई कर ले रहे हैं इसको। ये देखिए इतना बढ़िया जम गया है। थोड़ा थोड़ा करके दो तीन दो बार में इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ऐसे हम तेल को घुमा घुमा के कर लेते हैं इसको। फिर देखिए इसको हम अच्छे से पलट देते हैं। ये देखिए फ्राई हो गया है नीचे का साइड, इसको हम तेल बबल भी कर देते हैं आराम आराम से। तो देखिए दोस्तों इसको हमने अच्छा से दोनों तरफ सेक लिया है बढ़िया से, आप देख सकते हैं इसे काट गया है। अब इसी तरह हम पूरा सेक लेते हैं फिर हम ग्रेवी बनाते हैं इसको। नाश्ता भी कर सकते हैं नाश्ता में, तो देखिए ये चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। इसको देख सकते हैं बहुत करारा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं बहुत स्पंजी हुआ है ऐसे करके। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्पंजी है। तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए। तो देखिए दोस्तों इसको हम तड़का लगाते हैं, दो तेजपात लिए हैं, ये दो लाल मिर्च है, इसको हम तड़का लगा देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज, प्याज हम डाल के इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं, नमक हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तो प्याज गल जाए। और इसको हम अच्छे से चला देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने चला के इसको अच्छे से इस तरह से ढक देते हैं ताकि प्याज बढ़िया से गल जाए। 5 मिनट छोड़ देते हैं इसको। तो इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं कैसा हुआ है। देखिए ब्राउन प्याज हो रहा है, देखिए ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला। देखिए हमने पीस के रखा था जो सरसों और उसको थोड़ा सा मिला के हम डाल देते हैं। इसमें डालते हैं धनिया पाउडर, एक थोड़ा सा गरम मसाला है और एक हल्दी है, सबको डाल दिया। मिर्चा हमने थोड़ा सा डाला था उसमें तो मिर्चा को हम कम ही डालेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो इसको हम बढ़िया से ऐसे करके मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है
अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर, सब साथ में अच्छे से भुना जाएंगे। देखिए सब कुछ गल जाएगा, फिर हम इसको देखिए दोस्तों तेल बढ़िया से भुन गया है, छोड़ दिया है साइड साइड में। इसमें हम डाल देते हैं पानी, पानी हम इतना ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको ढक देते हैं, पानी पकने लग जाएगा तब हम उसको सब्जी को डालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं ग्रेवी पक गया है कि नहीं। ये देखिए पक गया है, पक गया है। इसमें अब हम बेसन को ऐड कर देते हैं। पकने के बाद थोड़ा सा जब पानी बढ़िया से पक जाता है तभी हम उसमें डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसको नहीं पकाना होता है। डालने के बाद कुछ ही टाइम के बाद उतार देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं इसको, डाल देते हैं इस तरह से, सबको इसी तरह डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें डाल दिया है सब बेसन को बना के। अब इसको हम धीरे से बहुत प्यार से चलाएंगे, ज़्यादा इसको हम नहीं चलाएंगे, ये टूट जाएगा। और इसको बोलते हैं दोस्तों, कहीं कहीं इसको बोलते हैं शकरपारा और कहीं कहीं लोग बेसन की सब्जी बोलते हैं। थोड़ा सा पक जाए तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी कटी धनिया, धनिया हमने डाल दिया है। बस एक थोड़ा सा पक जाए एक दो मिनट, फिर इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं सब्जी का क्या हालचाल है। अब देखिए तो हो गया है सब्जी मेरा बढ़िया से, गैस को अब हम बंद कर देते हैं दोस्तों बंद, और हम खाना को निकाल लेते हैं। तो हमने दोस्तों रोटी को अभी नहीं बनाया है, तो चावल के साथ भी सब्जी बहुत अच्छा बनता है। आप लोग बेसन की सब्जी चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों खाना बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में फैमिली में परिवार में आप भी इस तरह का बेसन का रेसिपी बना के शेयर करिएगा। तो किस तरह का बना है और कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।